हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों से आपका डिमांड था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप काम कराइए हम लोगों को। तो अब से मैं डेली कोशिश करूंगा एक दो दिन में हर एक चैप्टर को थोड़ा सा आपको कंप्लीट कराऊं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट है, और जो इस बार झारखंड एकेडमी काउंसिल के सिलेबस में है। उससे पहले अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है, हम लोग का पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जैसा वो भी पढ़ पाएँ। चलिए, तो देखिए आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो सिलेबस है झारखंड एकेडमी काउंसिल का, उसको हमने लिख करके रखा है। हेलो एल्केन में आपको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। भाई हेलो एल्केन बनाने के तरीके बहुत सारे तरीके हैं, आपको तीन मेन तरीके पढ़ने हैं, फ्रॉम एल्कीन एंड हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। अगला, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखना है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का क्या ख्याल है, ऐसे चीज़ों को दिमाग में रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको तीन चीज़ों को देखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1, SN2 एंड वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, नेम वाले रिएक्शन हमेशा हमारे इंपॉर्टेंट है। तो जिनका ये भी समस्या होता है कि सर नेम वाला रिएक्शन कराइए, तो चूंकि ये सीरीज जब चल रहा है तो आप नाम वाले रिएक्शन को अभी से ही पॉइंट आउट करते चलिएगा। इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज में भी आएगा, फिंगल स्टीन आएगा, स्वॉर्ट आएगा, ठीक है ना। हेलो एरिन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखना है, ठीक है, सिर्फ एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, सैंड मेयर वाला आपको देखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, सैंड मेयर, है ना। उसके बाद इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हैलोजन ग्रुप भाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ डायरेक्ट करता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जिसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, ठीक है, इन पर बात हम लोग करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नाम हम लोग कैसे लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में। हेलो एल्केन के लिए कॉमन नेम और IUPAC नेम, कॉमन नेम के लिए हम लोग एल्किल हैलाइड लगा देते हैं, आगे एल्किल ग्रुप लिखते हैं एंड देन हैलाइड लगाते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे CH3X है आपके पास या CH3Cl है, तो एल्किल ग्रुप कौन है यहाँ पे, मेथिल, और हैलोजन के जगह पर, हैलाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो क्या नाम होगा, मेथिल क्लोराइड, ये आप दिमाग में रख सकते हैं। उसी तरीके से एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं। और IUPAC सिस्टम में पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं, IUPAC सिस्टम जैसे पहले क्लोरीन का, ये आ गया आपका इस सिस्टम में, पहले क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरो, हैलो, तो क्लोरो, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या है, ये एल्केन है, एल्केन में कौन है, मीथेन, तो नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन, क्या नाम होगा इसका, क्लोरोमीथेन, इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं इसका, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। और भी बहुत सारे कंपाउंड इस तरीके से, अगर कोई कंपाउंड दे दिया CH3CH2CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया, तो IUPAC में जब लिखेंगे आप लोग तो नेमिंग करना होगा 1, 2, 3 नंबरिंग के लिए, 1 पर ब्रोमीन है तो आप लिखेंगे 1-bromo, और उसके बाद 3 कार्बन का एल्केन है तो क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ये IUPAC कॉमन पूछता नहीं है, कॉमन अगर लिखना है आपको तो ये क्या है, ये प्रोपिल, कौन सा ग्रुप है, प्रोपिल, कौन सा ग्रुप है, प्रोपिल, और फिर क्या लगा देंगे, ब्रोमाइड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रोमाइड, तो प्रोपिल ब्रोमाइड, इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। हेलो एरिन जो है वो दोनों सिस्टम में एक्सेप्टेड है, IUPAC में भी और कॉमन में भी, कॉमन सिस्टम में भी हेलो एरिन भी कह सकते हैं, हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है, और कॉमन में भी आप कह सकते हैं हेलो एरिन या हेलो बेंजीन। हाँ, अगर कभी कभी डाई हैलोजन कंपाउंड आपके सामने आता है, कौन से कंपाउंड आ जाते हैं, डाई हैलोजन कंपाउंड, तो कॉमन सिस्टम में हम लोग देखिए इस पोजीशन को बेंजीन में याद रखिएगा, अगर यहाँ मेरा अगर कोई रेफरेंस है तो ये पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, ये वाला पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाता है, और ये वाला पोजीशन पारा पोजीशन कहलाता है, ऑर्थो, मेटा और पारा, कौन कौन सा, ऑर्थो, मेटा, पारा, तो कॉमन सिस्टम में ऑर्थो, मेटा और पारा वर्ड का यूज़ करते हैं, और IUPAC सिस्टम में नंबरिंग पर ही काम होता है। जैसे कुछ नेमिंग देख लीजिए, अगर ये आपके पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, तो अगर कॉमन नेम में जाएंगे, इसको अगर रेफरेंस मानेंगे तो ऑर्थो पर क्लोरीन आया है तो क्या कहेंगे, ओ, ऑर्थो पर है तो ओ डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, कैगो क्लोरीन हो गया, दो गो, ठीक है, डाई क्लोरो, और फिर क्या, एरीन या बेंजीन,
जो भी लगा देना है बेंजीन। और IUPAC में जाएंगे तो ये वन और टू इस तरीके से, तो आप क्या लिखेंगे, 1,2-dichloro benzene, 1,2-dichloro benzene, 1,2-dichloro benzene, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा भी दो तरह के हैलो एल्केन्स होते हैं, और डाई हैलो एल्केन्स या डाई हैलाइड्स आप कह सकते हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं। देखिएगा डाई हैलाइड्स में, डाई हैलाइड जो दो तरह के होते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा, दो तरह के डाई हैलाइड्स होते हैं। वैसे यहाँ तक बोर्ड जाएगा नहीं आपको पूछने, तो विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड किसको कहते हैं, अगर नेबरिंग कार्बन पर दो हैलोजन एटम आए हैं, जैसे ये देखिए CH2, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, तो ये देखिए दो नेबरिंग कार्बन पर आए हैं तो ये विसिनल में चला जाता है। और अगर दोनों सेम कार्बन पर आ जाते CH3, CH, दोनों क्लोरीन यहीं पे आ जाते तो ये हो जाता है जेमिनल। इसका नाम कैसे लिखते हैं, पहले लगा देते हैं विस, ठीक है ना, विस एथिल डाइक्लोराइड, क्या हो जाएगा, या डाइक्लोरो इथेन, जो भी लिखना है आपको, एथिल डाइक्लोराइड। और इसका क्या लिखते हैं हम लोग, जेम, उसके बाद एथिल डाइक्लोराइड, है ना, ये भी हो सकता है। एक और भी तरीका है इनका नाम लिखने का, देखिएगा कौन सा तरीका है, विसिनल वाले को आप क्या लिख सकते थे, विस, ये वन और ये टू, तो विस के बाद ये वन है ना, और ये कितना है टू, विस 1,2-dichloro ethane, और इसका क्या होगा, जेम 1,1-dichloro ethane। तो इस तरीके से आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देख रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे बनाएंगे, तो एल्केन और हैलोजन लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रे आप लोग दे सकते हैं। जब ये दोनों को दीजिएगा तो ये हैलो एल्केन बनता है HCl, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, जो इनका मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का, क्या चीज़, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म जो होता है फ्री रेडिकल होता है, कौन सा मैकेनिज्म चलता है, सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपने लिया मीथेन CH4 और आप दे रहे हैं क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, ये वाला मेथड जो है फ्रॉम एल्केन वाला मेथड जो है जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, हैलोजन में आप याद रखिएगा हैलोजन में कौन कौन सा ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं और Br2 ले सकते हैं। आप लोग आयोडीन मत लीजिएगा, उसके लिए एक स्पेशल मेथड है, और फ्लोरीन मत लीजिएगा, एल्केन से क्लोरीन और ब्रोमीन का ही हम लोग यूज करा करके काम करते हैं। तो CH4 और Cl2 दे दीजिए, सनलाइट के लिए हम लोग HNU का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी मिल रहा है इनको। तो ये देखिए, इन दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के HCl का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा क्लोरीन जो है CH3 और क्या बना देगा, Cl बना देगा, ये दे देगा प्रोडक्ट आपको। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3Cl है पुनः Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, CH2Cl2 प्लस क्या बनता है, HCl। उसके बाद ये CH2Cl2 है फिर से क्लोरीन के साथ, ये रिएक्शन क्लास 10th में भी आया होगा, HNU के साथ सनलाइट के उपस्थिति में क्या करेगा, CHCl3 और साथ में क्या बनाएगा, HCl। उसके बाद CHCl3 प्लस क्या है, Cl2 और फिर से इनको आप सनलाइट दे दीजिए तो ये क्या बनाते हैं, CCl4 और साथ में क्या बनाते हैं, HCl का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से आप सीधा सीधा कहें तो आपको इन चारों का मिक्सचर मिलता है इस रिएक्शन में। क्या क्या मिलता है सर, क्लोरोमीथेन, नाम भी दिमाग में रखते चलिएगा, क्लोरोमीथेन, सर डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन या एक किसका फेमस नेम है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोशी के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ है इसका, और कार्बन टेट्राक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ये चार लोगों का मिक्सचर मिलता है इस रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर कैसे काम करता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे चलता है। पहले Cl और Cl के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है
होमोलाइटिक क्लीवेज, और होमोलाइटिक क्लीवेज से दो को क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। उसके बाद एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है CH4 के पास जब जाता है तो इसका एक हाइड्रोजन लेकर के HCl बनाता है और बेचारा ये CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो है यह किसके साथ जाता है, क्लोरीन के पास जाता है, Cl2 के पास जाता है और एक क्लोरीन को अपने पास बुला लेता है तो ये CH3Cl और साथ में Cl फ्री रेडिकल बनता है। पुनः ये काम आगे बढ़ा देता है, ठीक है ना, ये आगे यही काम बढ़ाता है। ये क्या कर देता है, यहीं से देखिए हम कनेक्ट करते चले जा रहे हैं, ये क्या काम करता है, फिर से इसका एक हाइड्रोजन लेकर के HCl का फॉर्मेशन करता है और क्या बन जाता है, CH2Cl फ्री रेडिकल। अगला स्टेप में अब ये CH2Cl फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करता है और एक क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेता है तो ये क्या बन जाता है, CH2Cl2 और ये फ्री रेडिकल। फिर से ये फ्री रेडिकल इसका क्या कर लेता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन विड्रॉ कर लेता है और ये क्या बनता है, CHCl2 ये फ्री रेडिकल और इधर बन गया HCl। अब बेचारा फाइनली ये पुनः क्या करेगा, CHCl2 फ्री रेडिकल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एक क्लोरीन के पास जाएगा और कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन दीजिए हमको, तो एक क्लोरीन इनके साथ आकर के जुड़ जाएगा और ये बनेगा CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल। और ये Cl फ्री रेडिकल पुनः हम ऊपर दिखा रहे हैं, ये Cl फ्री रेडिकल जो है वो क्या करता है, फिर से एक हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेता है और ये CCl3 फ्री रेडिकल बनता है और इधर HCl बन जाता है। अब देखिएगा ये CCl3 क्या करता है, सर C अब तक समझ गए होंगे आप लोग, CCl3 फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करता है और क्या बना लेता है, CCl4 और प्लस क्या बना लेता है, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये देखिए एक प्रोडक्ट यहाँ है आपका, एक प्रोडक्ट यहाँ है आपका, एक प्रोडक्ट यहाँ है आपका और एक प्रोडक्ट यहाँ पे है आपका, यही चार प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ब्रोमिनेशन भी आप करा सकते हैं लेकिन याद रखिएगा क्लोरीनेशन से ब्रोमिनेशन का स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है। सेम मैनर में अगर आप ब्रोमीन दीजिएगा तो ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, टेट्राब्रोमोमीथेन, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, लेकिन ब्रोमिनेशन वाला थोड़ा सा रिएक्शन क्या होता है, स्लो। हम इस मेथड का उपयोग एल्केन से हम लोग आयोडीन जोड़ने के लिए और फ्लोरीन जोड़ने के लिए यूज में नहीं लाएंगे, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज, एक फिंकल स्टेन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा और एक स्वार्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हमारा हो गया, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा रिएक्टिविटी, अगर आप बात करेंगे इस रिएक्शन में एल्केन के रिएक्टिविटी के बारे में, तो चूंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और आपको बताया गया होगा कि फ्री रेडिकल में 3 डिग्री फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री वाला जल्दी काम होगा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम किसका होता है, 1 डिग्री का काम होता है। तो आप दिमाग में ये भी रखिएगा कि सर इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री में माने टर्शियरी में सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, ठीक है, एक रिएक्शन का, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, अगर कभी आपको ऐसा दे दे CH3, CH2, CH3 और क्लोरीन दे दे और HNU दे दे, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, Cl2 है, सॉरी क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है, ये देखिए ये वाला तो 1 डिग्री है, सर ये भी 1 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन। अब बताइए क्लोरीन कहाँ जुड़ सकता है, क्लोरीन या तो 1 डिग्री पर या 2 डिग्री पर, तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है CH3, CH2 और क्लोरीन अगर इस 1 डिग्री पर जुड़ता है तो ये CH2Cl, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH और इधर भी CH3 और यहां पर कौन आएगा, Cl। अब ये 1 डिग्री बना और ये कितना डिग्री बना, 2 डिग्री बना, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सर 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला प्रोडक्ट 52% बनता है और ये वाला प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, 48% बनता है, बनेगा दोनों प्रोडक्ट, मिक्सचर ही मिलेगा लेकिन एक का अमाउंट ज्यादा होगा और दूसरे का अमाउंट कम होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर हम लोग देखने चल रहे हैं फ्रॉम एल्केन, ठीक है ना, एल्किन से दो तरीका है बनाने का, एक तरीका है एडिशन ऑफ HX, किसका एडिशन, सर एडिशन ऑफ HX, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, इनको हम लोग ऐड करने चल रहे हैं। चलिए देखिए कैसे ऐड करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड को, ये हमारा सी डबल बॉन्ड सी है और इस तरीके से जब आप HX ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सर सी
सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी, एक जगह पर आपका हैलोजन जुड़ जाएगा और एक जगह पर आपका क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है सर, एक बॉन्ड टूटेगा ये और इन दोनों में से जुड़ाव हो जाएगा। मामला तब गड़बड़ाता है जब इसमें कुछ इस तरीके का एक एग्जांपल, तो सबसे पहले हम लोग इसका ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपने दे दिया HCl, क्या दे दिया हम लोगों ने, HCl दिया है, ठीक है ना। तो HF, HB और HI के लिए हम लोग यूज करते हैं, HCl जो है हाई टेम्परेचर पर होता है तो HCl भी दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा टेम्परेचर देना होगा यहाँ पे। वैसे आप लोग यूज कीजिए HBr, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर HF, HBr और HI के साथ होता है और HCl के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए आपने दे दिया HBr, जब आप HBr इसको देंगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से, इन दो बॉन्ड में से एक बॉन् ड क्लिव्ड होगा और एक बॉन्ड क्लिव्ड होने के बाद ये CH2 और ये भी CH2 हो जाएगा। तो एक के साथ इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा मान लीजिए, तो ये CH3 और इसके साथ ब्रोमीन चला गया तो क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। मामला तब गड़बड़ाएगा जब इस तरीके का आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अब आपको दे दिया गया HBr। तो अब सर दो रास्ते पॉसिबल हो जाते हैं, इसके दो तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप परऑक्साइड दे दीजिएगा, H2O2 दे दीजिएगा, परऑक्साइड, क्या दीजिएगा, परऑक्साइड दे दीजिएगा, तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा और नॉर्मली प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। नॉर्मली प्रोडक्ट जो है वो किससे बनता है, मार्कोनिकोव नियम के हिसाब से बनता है। किससे बनता है, मार्कोनिकोव नियम के हिसाब से। मतलब सर फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा एक प्रोडक्ट और ब्रोमीन, देखिए ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो हाइड्रोजन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, सिंपली ब्रोमीन यहां भी आ सकता है और ब्रोमीन यहां भी आ सकता है। तो दो प्रोडक्ट जो होता है, अभी इसको मिटा रहे हैं फिर बताते हैं क्या होता है। ये हो सकता है सर CH3 CH था और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे भी हम लिख लेते हैं CH3 CH CH2। अगर ब्रोमीन आप यहां पे जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, और अगर ब्रोमीन यहां पे जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3। ये वाला कब होगा, H2O2 परऑक्साइड देने पर होता है और ये नॉर्मल कंडीशन में, ये एंटी मार्कोनिकोव नियम पर चलता है। कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव लॉ पर चलता है। अब सवाल ये उठता है कि सर एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव क्या होता है, तो एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव क्या कहता है कि HBr का हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन में से जहां डबली बॉन्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम है उनमें इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन भी इसी के साथ जुड़ेगा, तो नॉर्मली आपको मार्कोनिकोव रूल से प्रोडक्ट देगा। और अगर आप परऑक्साइड दे दीजिएगा तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ले लेता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लेने के बाद H किसके साथ, एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि H उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो H यहां पे आ जाता है तो CH2 और ये CH2 और यहां पे क्या हो जाता है, Br हो जाता है, ठीक है। ये वाला मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर काम करता है। तो ये एडिशन ऑफ HX हुआ। दूसरा जो है एडिशन ऑफ हैलोजन आप कह सकते हैं, क्या है दूसरा, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। जब हम हैलोजन जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डाई हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डाई हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, तो ये देखिए सिंपल सा प्रोडक्ट का कंपाउंड एक हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ये नहीं है, आपने दे दिया क्लोरीन, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास एक क्लोरीन और एक क्लोरीन इसके पास जुड़ जाएगा तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक क्लोरीन इसके पास और एक क्लोरीन इसके पास। आप कह सकते हैं सर ये कैसा बना, विसिनल, जब अगल बगल वाले पर आते हैं, नेबरिंग पर आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग को देखना है, बाय हैलोजन एक्सचेंज, क्या देखना है, बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में दो तरीके से आते हैं हमारे पास, दो रिएक्शंस, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन आता है, एक स्वार्ट रिएक्शन। ये क्या बनाने के लिए, आयोडो एल्केन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, आयोडो एल्केन बनाने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा आयोडो एल्केन। और ये क्या बनाने के लिए, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए सर, फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन के लिए स्वार्ट रिएक्शन और आयोडो एल्केन के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें हम ऑलरेडी एल्किल हैलाइड लेते हैं, दोनों में ऑलरेडी हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं।
मतलब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, क्योंकि आपको पता है एल्केन से हम लोग बना चुके हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एल्केन क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। तो वो बना हुआ एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड का भाई फ्लोरीन वाला रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करा सकते, वेरी एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोड कर जाता है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते थे। उधर करा पा रहे थे क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन हम लोग, लेकिन फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आप डायरेक्ट आप आयोडीन का रिएक्शन नहीं करा सकते थे, और आयोडीन का रिएक्शन कराते थे तो हमारे पास RI बनता था, और जो HI बनता था वो रिएक्शन रिवर्सिबल दे करके फिर से पीछे चला जाता था, इसलिए वो मेथड सही नहीं था। तो हम लोग बने हुए हैलो एल्केन का, मतलब क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन में से किसी एक को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, तो क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन बनता है, और साथ में NaX। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिएगा, CH3 और आपने ले लिया Cl प्लस आप यहाँ पे ले लीजिए NaI सोडियम आयोडाइड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3I हो जाएगा, और साथ में Na और Cl दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, कॉमन सॉल्ट, नमक का फॉर्मेशन करेंगे। सेम वहीं पे हम लोग मर्क्यूरस फ्लोराइड का यूज़ करते हैं, किसके लिए, फ्लोरीन को जोड़ने के लिए, किसको जोड़ने के लिए, फ्लोरीन को जोड़ने के लिए। जैसे देख लीजिए CH3, मान लीजिए इसमें हम BR ले लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्रोमो मीथेन हम लोग लिए हैं या मेथिल ब्रोमाइड लिए हैं, और क्या दे दिया आपने, HG2F2 दे दिया, क्या दे दिया सर, HG2F2, तो क्या बनेगा ये, CH3 ब्रोमीन के जगह पर फ्लोरीन जुड़ना है, तो CH3 क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, और ब्रोमीन HG के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा ये, HG2Br2 का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ दो फ्लोरीन है तो यहाँ पे दो करना होगा, और यहाँ पे भी क्या करना होगा, दो करना होगा। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बने रहिएगा इस तरह के वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग जस्ट इसी का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, और हेलो एरिन में थोड़ा सा पढ़ना है, तो एक क्लास में हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों और खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। और जो हमारे पर्सनल स्टूडेंट हैं जो हमसे कोचिंग भी लिए हैं, वो भी इस वीडियो पर बन करके अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।